नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी के भीमगढ़ डेम डूब क्षेत्र में अधिकारियों का तानाशाह रवैया। एसडीओ का फरमान सुनते ही चक्कर खाकर बेहोश हुआ किसान, जिला हॉस्पिटल में भर्ती, इलाज जारी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। छपारा तहसील क्षेत्र के मनकवाड़ा का मामला। माहौली गांव के किसान रघुवीर रजक ने अपनी डूबी क्षेत्र की भूमि में 3-4 सालों से खेती करते चला रहा था। इस साल उसने 8 एकड़ जमीन मूंग की फसल लगाई थी, लेकिन 2 दिन पूर्व सिंचाई विभाग के एसडीओ देवान और आमिन उमेश शर्मा, किसान रघुवीर की बोई हुई मूंग की फसल को दूसरे किसान को काटने की अनुमति दे दी गई। इतना सुनते ही किसान चक्कर खाकर गिर पड़ा। तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया। सिवनी जिला ब्यूरो संजय काढ़े की रिपोर्ट। जमीन पूर्वजनों की थी, वो निकली थी, तो हमने करे थे, तो वो जमीन शर्मा साहब और एसडीओ साहब और कानून पुलिस वाले गए थे, उनने सबने आने दूसरे काटने की इजाज़त दे दी। तो इनको बोए आपने? हाँ, हमने बोए हैं, हमने सब कुछ करे, खाद बीज सब डाले, लेकिन उनने आई थी फसल दूसरे को दे दी है, इसलिए हम इनके आने सदमा आ गए।